नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां समय से आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं उन सभी के बारे में देसी इलाज बताते हैं। उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास बीमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या है बकरी पालकों की, उसका एक बहुत शानदार और सटीक इलाज बताने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से देसी रहेगा, जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से अपने घर में रहकर कम से कम खर्च में आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, आज फिर बता दूं कि बकरी पालन में दो समस्याएं सबसे बड़ी है। पहला, बकरी का समय से हीट पर नहीं आना। अगर हीट पे आ रही है तो वो गाभिन नहीं होती है। दूसरा, बच्चों को मरने से बचाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बकरी को समय से हीट में लाने के बारे में और उसे गाभिन करने के बारे में बहुत शानदार देसी नुस्खा बताने वाला हूँ, जो कि लंबे समय से हमारे बकरी पालक इस्तेमाल करते आए हैं और रिजल्ट बहुत शानदार पाया है। और मैं आपको बता दूं कि बकरी पालकों की बहुत बड़ी समस्या है कि सर, बकरी बार बार हीट पर आ रही है, वो गाभिन नहीं हो रही है, कुछ बकरियां हीट पर ही नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में जो देसी नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप यह देसी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे अपनी बकरियों में, तो आपकी बकरी समय से हीट पर भी आएगी और 100% गाभिन भी ठहरेगी। क्योंकि हीट पर तो आती है बकरियां, पर गाभिन नहीं होती है। बकरी पालक बताते हैं कि वो बार बार क्रॉस करवाते हैं अपनी बकरी को, जिससे कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो बकरी हमेशा के लिए हमारी खराब हो जाती है। वो कभी भी गाभिन नहीं होती है, बच्चा नहीं देती है। और जब तक बकरी समय से हीट पर नहीं आएगी, बच्चा नहीं देगी समय से, आप उससे इनकम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बकरी पालन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपकी बकरी समय से हीट पर आना चाहिए, वो गाभिन भी होना चाहिए, मतलब कंसीव करना चाहिए, जिससे कि बकरी समय से बच्चा दे सके। जिस देसी नुस्खे के बारे में बात करने वाला हूँ, उसमें हम तीन तरह के देसी आइटम लेंगे। सबसे पहला हमें लेना है हरी वाली सौंफ। सौंफ में आप बारीक भी ले सकते हैं, मतलब पतली वाली सौंफ भी ले सकते हैं, और जो मोटी सौंफ आती है वो भी ले सकते हैं। तो हरी वाली सौंफ है जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके डोज की बात करूँ तो आपको इसे 10 ग्राम लेना है। इसके बाद जो दूसरा आइटम हमें लेना है, देसी सामग्री लेनी है, उसमें हम लेंगे हल्दी। हल्दी आपको लेना है 5 ग्राम का, मतलब 1 टेबल स्पून आप हल्दी भी ले लें। जो हल्दी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही हल्दी आप लें। इसके बाद हमें जो तीसरा आइटम लेना है, वो हमें लेना है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। आप देख पा रहे हैं कि काली मिर्च है, अगर आपकी बकरी एडल्ट है, जैसे कि उसका वजन 30 किलो 40 किलो से ऊपर है, तो आप 15 से 20 दाने, ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 15 दानों से लेकर 20 दाने तक आप ले सकते हैं। उन तीनों को आपको अच्छे से पाउडर बनाकर मिक्स कर लेना है। जैसा कि हल्दी अगर आप साबुत लेकर आते हैं तो उसका पाउडर बना लें, तो तीनों का पाउडर आपने बना लिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये कंप्लीट डोज बनता है 1 दिन का। जो बकरी आपकी बार बार रिपीट हो रही है, हीट पर नहीं आ रही है, आप क्रॉस करवा रहे हैं पर वो गाभिन नहीं हो रही है, तो ये 1 दिन का डोज है। इस 1 दिन के डोज को आपको मॉर्निंग टाइम में अपनी बकरी को किसी भी माध्यम से खिला सकते हैं, चाहे दाना मिश्रण मिलाकर खिलाएं, चाहे इंडिविजुअल खिलाएं। जब आप इसे खिलाएंगे तो आप देखेंगे आपकी बकरी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। यह जो डोज है आपको कंटिन्यूसली 15 दिन तक रनिंग रखना है, मतलब आप डेली बेसिस पर आप 1 दिन 2 दिन ऐसे आपको 15 दिन खिलाना है। जब 15 दिन खिलाएंगे तो 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी बकरी जब भी हीट पर आएगी तो वो 100% गाभिन होगी, 100% उसका गर्भ ठहरेगा और वो समय से बच्चा भी देगी। तो ये देसी नुस्खा जो है, लंबे समय से बकरी पालक इस्तेमाल करते आए हैं, रिजल्ट बहुत बेहतर मिला है, इसीलिए हम लोगों ने आज के वीडियो में आपको इस इलाज को बताया, जिससे कि आपको नुकसान ना हो बकरी पालन में, सिर्फ फायदा हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो देसी नुस्खा बताया, एकदम कम से कम खर्च में और बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में रहकर आप अपनी बकरी की इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस नुस्खे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक बार इस देसी नुस्खे को इस्तेमाल करके जरूर देखें, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।